Everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So today we are going to start with our another new topic, that is chapter number 4, exogenetic process part 2. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का पार्ट 2, जहां हमने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 कंप्लीट किया हमारे चैप्टर नंबर 3 में. एंड वी हैव लर्नड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वेदरिंग, द मीनिंग ऑफ द वेदरिंग एंड द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, जहां हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच द रॉक गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू टू पार्ट्स. Okay, and which take place on the surface, that's why they are classified under the exogenetic process. Okay, so now today we are going to continue with our new topic, that is exogenetic process part 2. Okay, the chapter is totally linked with chapter number 3. Okay, exogenetic process एक ऐसा part है जो कि हमारे chapter number 3 से, यानी कि ये इतना vast concept है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इन chapters को 2 parts में divide कर दिया है. पहले वाले पार्ट में हमने जहां वेदरिंग के बारे में स्टडी किया, सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो होगा हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन पे और एजेंट्स ऑफ अलग अलग इरोजन्स के. ठीक है, सो आज हम ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पार्ट बाय पार्ट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, जिसमें आपका कोऑपरेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है. ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं जहां हम देखते हैं कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वापस से हम रिपीट करेंगे एक बार कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट होता क्या है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होता क्या है. ठीक है, उसी के साथ साथ हम इरोजन एंड डिपोजिशन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, देन हम चैप्टर को, एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जैसे कि आप जानते हो कि व्हाट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट व्हिच टेक प्लेस ऑन द सरफेस. ठीक है, ये एक ऐसे मूवमेंट है जो ऑन द सरफेस होते हैं, जो कि हमने इससे पहले भी चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किए थे. ठीक है, इस एक्सोजेनेटिक मूवमेंट को और भी अच्छी तरीके से याद करवाने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, मैं आप एक फॉर्मूला बताता हूं. जैसे यहां पर आप देख सकते हो स्लाइड में, एक्सो प्लस जेनेटिक प्लस मूवमेंट, यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है, जेनेटिक, यानी कि दिस आर द मूवमेंट्स विच आर जेनेटिक, विच आर ट्रेवल इन जेनेटिक फॉर्म. ठीक है, सो दिस ऑल आर द जेनेटिक मूवमेंट्स. ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं. Then, erosion and deposition forms various landform. हमारे continent में जितने भी landforms produce हुए हैं, जैसे हमने chapter number 2 में हमने जब हम endogenetic movement पढ़ रहे थे, तो हमने we have learned about the different types of movement, where we have learned about the sudden movement, we have learned about the rapid movement. ठीक है, we have learned about the earthquake and volcanic eruptions. जहां हमने देखा कि इन वॉल्केनिक इरप्शंस के, इन अर्थक्वेक की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, सो वो थे हमारे एंडोजेनेटिक मूवमेंट के लैंडफॉर्म्स. सिमिलरली हमारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं. अब वो जो लैंडफॉर्म्स जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, वो ये दो कंसेप्ट की वजह से हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन. ठीक है, क्या बोलोगे आप, इरोजन बोलोगे और आप बोलोगे डिपोजिशन. ओके, सो ये जो इरोजन एंड डिपोजिशन है, ठीक है, वो सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करो कि व्हाट इज इरोजन एंड व्हाट इज डिपोजिशन. इरोजन मींस कोई भी पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट अगर कभी भी कांटेक्ट होते हैं और अगर वो किसी मोशन में है, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर मोस्टली फ्रिक्शन पैदा होती है. क्या पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है. जैसे आप लोगों ने क्लास 9 के साइंस में या क्लास 8 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, सो कैसा होता है कि जब भी वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे एजेंट्स अगर किसी भी लैंडफॉर्म से कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट मिलने की वजह से यहां पर फ्रिक्शन टेक प्लेस होता है. इन फ्रिक्शन होने की वजह से, ठीक है, होता क्या है कि इरोजन एंड डिपोजिशन टेक प्लेस होता है. इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फ्रिक्शन टेक प्लेस होने की वजह से इरोड होने, चीजें इरोड होने लग जाती है, यानी कि डिकम्पोज होने लग जाता है.
ठीक है, चीजें एक बोलते हैं ना कि किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉक बोलता हूं तो रॉक अपने आप में ही वो अपने आप को तोड़कर छोटा होने लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इज फॉर इरेजर। ठीक है, आप स्टडी करते हो, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने आप पेंसिल इरेजर दिस ऑल आर द स्टेशनरीज विच यू ऑल यूज फॉर योर डेली डेली रूटीन, फॉर योर डेली शेड्यूल, ठीक है, फॉर योर स्टडीज। ठीक है, सो जब आप ये इरेजर को यूज करते हो तो होता क्या है यहां पर भी कि जब आपने नया इरेजर लाया और जब आपके एट द एंड ऑफ द मंथ में जब आप इरेजर को देखोगे तो उसका शेप जो होगा और उसका जो साइज होगा वो काफी चेंज होगा। ये शेप और ये साइज चेंज क्यों होगा? बिकॉज यहां पर इरोजन टेक प्लेस हुआ। इरोजन कैसे टेक प्लेस हुआ? जैसे आपका इरेजर एक ऑब्जेक्ट, आपका बुक दूसरा ऑब्जेक्ट, जब आपने उस बुक में लिखे हुए जो आपने वर्डिंग्स को आपने इरेज करने के लिए जब आपने इरेजर यूज किया, सो आपने किया क्या कि उस पर्टिकुलर इरेजर को और बुक को कॉन्टैक्ट में लाया। ड्यू टू कॉन्टैक्ट अगेन फ्रिक्शन एक्ट हो गया। यहां पर फ्रिक्शन होने की वजह से इरेजर के कुछ पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गए। सिमिलरली यहां पर बहुत सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन है, एजेंट्स यानी कि फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं ये भी बता देता हूं आपको कि इन्हें एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्यों बोला जाता है। व्हाई एजेंट? एजेंट मींस अ फैक्टर। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक वाटर, सी वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, दिस ऑल आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच इरोजन एंड डिपोजिशन टेक प्लेस। ठीक है, ऑल द इरोजन एंड डिपोजिशन टेक प्लेस ड्यू टू दिस फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स की वजह से इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। अब इरोजन और डिपोजिशन इन फैक्टर्स के होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंडफॉर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। ठीक है, एंड ड्यू टू देयर डिपोजिशन एंड इरोजन। ओके, अब देखो ये इरोजन था, इरोजन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट इज डिपोजिशन? ठीक है, देखो अगर आप इसको तोड़ते हो, वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हो, सो डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन यानी कि एक पर्टिकुलर पोजिशन का वापस से रिलोकेट करना। ओके, सो अब होता क्या है कि जितने भी इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, विच आर ब्रॉट बाय रिवर और विच आर ब्रॉट बाय द ग्लेशियर और विच आर ब्रॉट बाय और कैरी बाय द विंड, ठीक है, विल बी डिपॉजिटेड इन सम और द अदर प्लेस ऑफ और द प्लेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जितने भी इरोजन होंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी पार्ट्स इरोड हुए और जो निकले वो कहीं ना कहीं जाकर सेटल होंगे, ठीक है, डिपॉजिट होंगे। सो होता क्या है कि ये डिपोजिशन से, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बने, जैसे राजस्थान से बहुत सारे डेजर्ट के मिट्टी, ठीक है, विंड के वजह से, विंड के बहुत फास्ट फ्लो के वजह से क्या होने लगे, इरोड हो गए यानी कि विंड के साथ साथ घूमने लगे, ठीक है, सराउंडिंग में, और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो डिपॉजिट हो गए। ठीक है, और डिपॉजिट होकर वो बीचेस बन गए, लगूंस बन गए, सैंडबार बन गए, बाचिन बन गए। सो दिस ऑल आर द लैंडफॉर्म्स विच आर प्रोड्यूस बाय दिस एजेंट ऑफ इरोजन। और वो एजेंट ऑफ इरोजन किसके थ्रू कर रहा है? इरोजन एंड डिपोजिशन के थ्रू। सो यही ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो कौन से एजेंट्स ऑफ इरोजन है, रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर आर सम एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। सो दिस ऑल आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। ठीक है, लेट्स स्टडी द इरोजन एंड डिपोजिशन एंड वेरियस लैंडफॉर्म इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, इरोजन एंड डिपोजिशन के ये जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है तो वो कौन से लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और कैसे। ओके, सो हम एक एक करके, वन बाय वन करके, हमारे पार्ट बाय पार्ट करके हम पढ़ने वाले हैं। जैसे रनिंग वाटर सबसे पहला एजेंट ऑफ इरोजन है। ठीक है, वाटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन। ठीक है, वो हम करेंगे, उनके लैंडफॉर्म्स देखेंगे जो कि हमारे अपकमिंग वीडियो में आएगा। ठीक है, सो होप आप लोगों को एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो आज हमने अभी हमने क्या किया, हमने एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, व्हाट इरोजन इज एंड व्हाट डिपोजिशन इज। और अब मुझे लगता है कि होप
कि आप लोगों को इरोजन एंड डिपोजिशन पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अब आप ईच एंड एवरी फैक्टर्स ऑफ इरोजन यानी कि एजेंट्स ऑफ इरोजन को पढ़ने के लिए अब आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो क्या होगा कि अब आपको कंसेप्ट काफी ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक एक करके वन बाय वन करके पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके नोट्स बनाओ, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफी समय से मैंने आपको हमेशा मैं कहता हूं कि नोट्स बनाओ और नोट्स बनाकर इसे एक प्रॉपरली मेंटेन करो। ठीक है, बिकॉज दिस ऑल आर द नोट्स, दिस ऑल आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नोट विल हेल्प यू टू मेक योर आंसर्स मोर कन्वीनियंट, मोर इजियर इन अ वे। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा काफी ज्यादा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मिलते हैं हमारे एजेंट ऑफ इरोजन वाटर से। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।